क्या आपको पता है 500 डेसिबल की आवाज पूरी यूनिवर्स तबाह कर सकती है? और वो कौन सी आवाज थी जो कि पूरी दुनिया को सुनाई थी? और ये डेसिबल्स क्या होते हैं? 1883 में क्रैकटोवा नाम के एक आइलैंड पे आतिफिशां फटा, जिसकी ताकत 200 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी। और इसके 64 किलोमीटर के रेडियस में जितने मछेरे थे या कश्ती पर सवार आसपास लोग थे, उनके कान के पर्दे तक फट गए। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस धमाके के सेंटर में जो ऑडियो लेवल्स थे वो तकरीबन 310 डेसिबल्स थे। इंसान की हेयरिंग लिमिट जो है 130 डेसिबल्स तक है, और ये आतिफिशां तकरीबन 310 डेसिबल्स तक फटा था। और 161 किलोमीटर की रेंज में जो प्रेशर गेजेस लगे हुए थे, उन्होंने भी 80 डेसिबल्स की साउंड डिटेक्ट की थी, जो कि काफ़ी पावरफुल है। हालांकि 161 किलोमीटर दूर तक इस आवाज़ को जाने में 7 मिनट और 53 सेकंड्स लगे। ये कानों के पर्दे वगैरह फाड़ने के लिए तो काफ़ी नहीं थी, लेकिन ये जो खिड़की में लगे शीशे या शीशे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, उनको तोड़ने के लिए काफ़ी थी। और शायद इस शॉक वेव से लोग भी मरे होंगे, जो नहीं मरे उनको परमानेंट हेयरिंग डैमेज ज़रूर हुआ होगा। और इस साउंड की शॉक वेव, एक अंदाजे के मुताबिक वो शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि उसने दुनिया के गिर 3 दफ़ा चक्कर लगाया। डेसिबल साउंड्स को मापने का एक यूनिट है, और ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। और इस स्केल को प्रॉपर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बिल्कुल खामोशी 0 डेसिबल्स के बराबर है, और एक हल्की सांस लेने की आवाज़ 10 डेसिबल्स। दरख्त के पत्तों में हल्की फुल्की सरसराहट 20 डेसिबल, और सरगोशी सिर्फ 30 डेसिबल। एक फ्रिज के चलने की आवाज़ 40 डेसिबल्स, बारिश की आवाज़ तकरीबन 50 डेसिबल, एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन के बोलने की आवाज़ 60 डेसिबल, एक वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ 70 डेसिबल, एक लीफ ब्लोअर की आवाज़ 80 डेसिबल, एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ 100 डेसिबल, एक एम्बुलेंस की आवाज़ 120 डेसिबल, और एक जेट इंजन की आवाज़ 130 डेसिबल, और 140 डेसिबल्स एक रॉकेट की लॉन्च की आवाज़। और ये रहे टॉप 5 लाउडेस्ट साउंड एवर रिकॉर्डेड बाय ह्यूमंस। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स हमारा क्रैकटोवा का आइलैंड का वॉल्केनिक एरप्शन वाला एक्सप्लोजन है। नंबर 2 पे सार बम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम है, 224 डेसिबल इसकी लाउडनेस है। नंबर 3 पे है हमारे पास सैटर्न वी रॉकेट, और नंबर 4 पे हमारे पास है थंडर स्क्रीच, एक एयरक्राफ्ट था जो कि एक्सपेरिमेंटल बनाया गया था, उसका जो प्रोपेलर था वो साउंड की स्पीड से घूमता था। और वो अभी तक दुनिया का सबसे लाउडेस्ट एयरक्राफ्ट था, और ये एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था। और नंबर 5 पे हमारे पास है टंगुस्का का मीटियर, और 1908 में ये जब ज़मीन पे गिरा था, तो जहाँ पे ये गिरा था वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा इसने बना दिया था। इसके गिरने से जो शॉकवेव जनरेट हुई थी वो 197 डेसिबल्स की थी, और इसने बहुत बड़ा खड्डा ज़मीन में जो बनाया था वो अभी तक साइंटिस्ट उसे स्टडी कर रहे हैं।